तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला परिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिल भवन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला परिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का वैचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव जी के चरण कमलों में मेरा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री श्री चैतन्य भागवत आदिखंड प्रथम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसे वृंदावन दास ठाकुर इस चैतन्य भागवत के विशेष ये विषय वस्तु के ऊपर रूपरेखा वर्णन कर रहे हैं, माने विषय वस्तु वर्णन करते जा रहे हैं कौन सा खंड में क्या है और उसके संक्षेप रूप में बता रहे हैं। तीन खंड बताया, आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड। शेष खंड नाम देना, अंत खंड नाम दे है। बलराम प्रभु या नित्यानंद की महिमा उन्होंने कीर्तन किया वृंदावन दास ठाकुर की कहा जाता है चैतन्य व्यास अवतार। क्या बताया? चैतन्य व्यास अवतार। जैसे श्रीमद् भागवत की व्यास कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, उसी प्रकार महाप्रभु लीला की व्यास वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद की महिमा वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कई दिन जावत नित्यानंद प्रभु की महिमा श्रवण किया। ये त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम आदिखंड मध्यखंड शेषखंड नाम। आदिखंडे प्रधानतः विद्यार विलास, मध्यखंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, शेषखंडे सन्यासी रूपे नीलाचले स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़े खिति। नवद्वीपी आछे जगन्नाथ मिश्र भर वासुदेव प्राय ते हों सधर्म तत्पर। करें महाप्रभु की जो लीला हो चैतन्य धाम लीला जो है ये साक्षात आनंद की धाम कहा गया है। आदिखंड मध्यखंड शेषखंड नाम, तीन खंड नाम दिया, आदिखंड मध्यखंड और शेषखंड। आदिखंड में महाप्रभु के जन्म लीला से लेकर की विद्या विलास तक वर्णन किया गया,
है। मध्य खंड में महाप्रभु की नाम संकीर्तन है, ये वर्णन किया गया। और शेष खंड में महाप्रभु सन्यास लेकर के नीलाचल में रहने लगे, ये समस्त वर्णन किया। अर्थात नीलाचल में रह करके महाप्रभु जो समस्त भाव आदि प्रकाश किए हैं वो सब वर्णन किया। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सब कुछ नित्यानंद प्रभु के समर्पित कर दिया है, इसलिए कह रहे हैं नित्यानंद स्थाने समर्पया गौड़ खेती है। क्योंकि महाप्रभु नवद्वीप धाम के और नवद्वीप वासी के जो है भूले नहीं है। ऐसे जननी जनहुश्च सर्गादपि गरीयश, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना जाता है। महाप्रभु के जन्मस्थान कौन सा है? जगपीठ है, नवद्वीप धाम, गौरधाम। इसलिए महाप्रभु गौरधाम और गौरवासी के प्रति अधिक स्नेह रखते हैं। जैसे कृष्ण किसके प्रति स्नेह रखते हैं? ब्रजवासी के प्रति। जगन्नाथ, जगन्नाथ देव नीलाचलवासी के प्रति। रामचंद्र जो है अयोध्यावासी के प्रति है, अयोध्यावासी के लिए पत्नी की भी तक दे गए, जाओ कोई बात नहीं है। रामचंद्र भगवान रामचंद्र ने किया है, भगवान रामचंद्र प्रजाओं के लिए, अच्छा अयोध्यावासी के लिए भी अपने बंदी सीता देवी के भी वन में भेज दिया है। और महाप्रभु अत्यंत स्नेह प्रति जो है नवद्वीप वासी के प्रति, इसलिए स्वयं महाप्रभु सन्यास तो ले लिया है, रामचंद्र सन्यास नहीं लिया और कृष्ण भी सन्यास नहीं लिया है। जगन्नाथ भी सन्यास नहीं लिया है कि नहीं? तीनों गृहस्थ है, कौन कौन? जगन्नाथ, रामचंद्र और कृष्ण है। जगन्नाथ का नहीं, बहुत द्वारका है। जगन्नाथपुरी के एक्चुअली कहा जाता है द पार्ट ऑफ द्वारका है। ये तीनों क्या है? ये तीनों सब गृहस्थ है। और महाप्रभु गृहस्थ धर्म तो पालन किया, फिर सन्यास ले लिया और सन्यास लेकर नीलाचल धाम में रहने लगे। और चिंतन किसको कर रहे हैं? नवद्वीप धाम, नवद्वीप वासी, नवद्वीप वासी के प्रति उनके अधिक जो है स्नेह ममता प्रीति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखो मैं तो नवद्वीप नहीं रह सकता हूँ, ना जा सकता हूँ। सन्यासी कबू ना रोहिबे निज ग्राम है, चैतन्य भागवत में लिखा है। सन्यासी कभी अपने गांव में नहीं रहेंगे, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो नवद्वीप नहीं रह सकता हूँ, किंतु नवद्वीप वासी के प्रति हमारा मेरा स्नेह ममता प्रीति है। इसलिए कहने लगे नित्यानंद तुम सारी नवद्वीप वासी के तुम देखभाल करो है। नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास साथ रहने के लिए है। 2 महीने रहने के बाद महाप्रभु कहते हैं जाओ गौड़ देश में जाओ है, गौड़ देश में जाकर के गौड़ वासी के तुम संतना दो है। आसान जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए मथुरा द्वारका, किंतु वृंदावनवासी के कभी भूले नहीं है, वही वृंदावनवासी के लिए सदा सर्वदा रोने लगे
है। दिन में तो राजकार्य परिचालना करते हैं, देखभाल, रात्रि में बस वही ब्रजवासी की स्मरण करके कृष्ण रोते, वही नील जमुना, नील समझते हो, ब्लूज जमुना कैसे कलकल करके प्रवाहित हो रहे हैं, वो समस्त कुंज कुटीर आदि जो है जहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ मिलते थे वो कहाँ भूले हैं? बचपन की याद है आपका है? क्या याद है? जो खेल कूद करते थे हैं? आश्रम है? आपके पियर कहाँ हैं? कश्मीर, कश्मीर है? क्या बोले? अभी कश्मीर में कोई नहीं रहता? कौन है? कहाँ रहते हैं? है? अच्छा दिल्ली में आ गए तो कश्मीर में आप रही? हाँ, वो स्थान याद आती है कि नहीं? वो घर है सब याद आ जाता है, हैं? भले ही वो रूपरेखा बदल गया, वो स्थान बदल गया, हो सकता है वहाँ पर बड़े बड़े मकान हो गया और कुछ कुछ हो गया, वो तो आपके पता ही नहीं है, हैं? किंतु जब आप रहे उस स्थान की याद आ जाती है, आगे महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं निताय तुम जाओ, कहाँ जाओ? गौड़ देश, गौड़वासी के तुम संतनाद है। जिस प्रकार कृष्ण उद्धव को भेजा, गच्छ उद्धव ब्रजेशम प्रतिम प्रतिभाव मत व्योनांग उपिनांग मत संदेश कोई विमोर्च है। तो जिस कथा हम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं, पर ये नित्यानंद प्रभु को भेजने लगे। नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़ खेते नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र प्रवर वसुदेव प्रायते हूँ सधर्म तत्पर है। नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र वसुदेव प्रायते हूँ सधर्म तत्पर, वसुदेव महाराज के भांति अपने कर्मादि करते कार्यादि करने। तार पत्नी सचिना महापतिव्रता द्वितीय देवकी जन सही जगन माता तार गर्भी अवतीर्ण होइल नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नमा संसार भूषण है। सचिमा वास्तव में है क्या? यशोदा, और उन यशोदा के अंदर भी ये देवकी आ जाता है। आज जगन्नाथ मिश्र साक्षात नंद महाराज, उनमें भी वसुदेव महाराज आ जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं वसुदेव प्रायते हूँ सधर्म तत्पर तार पत्नी सचिना महापतिव्रता द्वितीय देवकी जन श्री जगन्न माता तार गर्भे अवतीर्ण होइल नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण आदिखंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने अवतीर्ण होइला प्रभु निशाय ग्रहणे। आदिखंड में वर्णन रहा फाल्गुन महीने में पूर्णिमा जो तिथि उसमें चैतन्य महाप्रभु और प्रकट हुए, अवतीर्ण होइला प्रभु निशाय ग्रहणे, अर्थात जब चंद्रग्रहण हुई उस समय महाप्रभु प्रकट हुए। हरि नाम मंगल उठिल चतुर्दिके जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे।
महाप्रभु कैसे प्रकट हुई, जब चंद्रग्रहण हुए होने लगे, सभी लोग हरि कृष्ण नाम आदि लेकर के गंगा में स्नान करने लगे। गंगा में स्नान किया था, गंगा में स्नान करने लगे और नाम संकीर्तन, इसलिए नाम संकीर्तन में प्रभु प्रकट। इसलिए कहते हरिनाम मंगल उठिल चतुर्दिके जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। आदिखंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश पिता माता प्रति दिखाई लो गुप्तवास, वर्णन कर रहे हैं ये आदिखंड में। ये चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक के रूप में शची माता और जगन्नाथ मिश्र के जो अनेक गोपन से गोपन लीला आदि दर्शन कराया है। जगन्नाथ मिश्र प्रत्यह जो है सालग्राम शिला नारायण से सेवा आदि करते हैं है। करते हो आप? नहीं करते हो है? सालग्राम सेवा सेवा करके जाते हैं। देखा तो घर के आंगन पर जो है छोटे छोटे चरण चिन्ह है, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश ये सब जो है भगवत चरण चिन्ह छाप है। समझ में आ रही है? देख करके जगन्नाथ मिश्र चिंता करने लगे है, हमारे घर में कौन ऐसे चलते हैं? साक्षात सालग्राम से लेने नारायण है, ये नारायण यहाँ पर आए हैं चलते हैं है। किंतु उनके घर में वही जो नारायण जो गौर नारायण गौर सुंदर है, ये समझने वात्सल्य भाव गढ़ वात्सल्य भाव होने के नाते है उनके समझ में नहीं आता है। सोचने लगे है कहाँ इजिल कहते गृहमा जी अपूर्व देखिला पिता माता आदिखंडे भज ध्वज वज्र अंकुश पताका। गृहमा जी अपूर्व देखिला पिता माता आदिखंडे प्रभुरी हरिया हरिलो चोर। कितने सुंदर वर्णन हो रहे है, संक्षेप रूप में एक एक लीलाओं को जो वर्णन कर रहे है। छोटा बालक निमाई है आज हाथ में इतने सुंदर अलंकार, शरीर में इतने सुंदर अलंकार वस्त्र है, छोटा बालक जो है नन्हे मुन्ने बालक बैठा दिए है, और उनके शरीर में अलंकार भी है, सोने के अलंकार हाथ में है, बाला पहना देते हैं छोटे बालक है। दो चोर आ गए, विचार करने लगे इसके शरीर से सारे अलंकार को चुरा दें है। इसलिए महापुरुष संग भगवान बोले ठीक है, बहुत दिन हो गया है, कांध में तो चढ़े ही नहीं है, है? वो तो कृष्ण लीला में त्रिनावर्त के कांध पर चढ़ा था, याद है? है? त्रिनावर्त क्या किया, छोटा गोपाल के उठा करके आकाश में ले गए है। और कृष्ण ने क्या किया, डर के मारे उसके गला को ऐसे देव को पकड़े, कांध पर बैठ करके गला को पकड़े है। एरोप्लेन उस समय एरोप्लेन तो उसमें था कि नहीं था बोले एरोप्लेन में चढ़ता हूँ एक बार तो कृष्ण ने क्या कि बाल गोपाल ने तिनावर्त के ऊपर बैठे है, तो ही लीला को स्मरण करने लगे। प्लेन में चढ़ना इच्छा जगता है मन में है, कितने प्लेन में चढ़ है? तो उसने बोल कर ठीक है चलो इनके कांध पर बैठ जाता हूँ। गौर सुंदर है ना, उनकी प्रेरणा बिना कोई आ सकते है? वही तो स्वयं गौर सुंदर वो चोर के भी हृदय में बैठे हुए है? बैठे कि नहीं बैठा है? उनके ही प्रेरणा दी, चोर किया करने लगे चलो ये बालों के उठा करके ले जाते हैं है, दूर ले जाकर के जहाँ पर निर्जन स्थान है कोई नहीं है, है इसे सारे अलंकार उठा लेंगे है।
चलो गौरी सुंदर बोले बहुत अच्छी बात है, है? छोटा बालक जी दोनों चोर आ गया, उनकी टॉफी दिखाया है, छोटा बालक मुंह से लार टपकने के लिए है। ऐसे भी जोगमाया की लीला की उस समय शची माता और जगन्नाथ मिश्र अथवा उनके जो घर के जो सेवक जो है ईशान और भी जो भक्त कोई नहीं रहा, अकेला छोटा बालक है दरवाजे के बाहर खड़े हैं, टमक टमक कर चलने वाले हैं, और दोनों चोर आकर के और आ आ हैं खिला देते हैं, टॉफी देते हैं। बालक लालच के मारे में बाहर आ गया और दोनों चोर क्या कि उसको कंधे पर लेकर चल, बोले चलो और सारे नगर को क्या किया, भ्रमण कर दिया उसको, और घुमाते 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 फिर उसी जगह में आके छोड़ है, आ समझे। और इतने समय और इधर जगन्नाथ मिश्र और शची देवी और सब लोग ढूंढ के बालक कहाँ गए हैं। जोग में कि ऐसी प्रभाव हुई किसी ने जो चोर को भी नहीं देखा और चोर भी किसी को नहीं देखा, चोर भी घूमते घूमते उसी स्थान पर आ गया, देखा तो और सारे लोग जग गया वा आ रहे, देखो चोर वहीं पर बालक के छोड़ करके चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है, इसलिए यहाँ पर भी कार है। इसलिए प्रभु रे आदिखंडे प्रभु रे हरिया छिलो चोरे चोरे भंडाइया प्रभु आयलैन घरे है। आदिखंडे जगदीश हिरण्य रे घरे नैविद्य कायला प्रभु श्रीहरि वास रे है। महापुरुष हैं भगवान है, भगवान कहे तुम लोग व्रत रखोगे हम भी व्रत थोड़ी रखेंगे है। एकादशी व्रत है ना, एकादशी के दिन निमाई रोने लगे, बोले मुझे अन्न खिलाओ, बोले अन्न कहाँ पर, बोले देखो है वो जगदीश और हिरण दोनों भक्त जो है वो एकादशी के दिन अपने घर में चावल भोग लगाया, बोले उनके घर से लेकर के आओ है। बालक रोने लगे, अनंतर जगन्नाथ मिश्र और शची देवी उनके घर से एकादशी के दिन चावल लेकर के उनको खिलाए। महाप्रभु क्या दर्श क्या शिक्षा के दे रहे, जीव तत्व और भगवत तत्व एक नहीं है, भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। इसलिए हम लोग की भी मठ में क्या एकादशी के दिन भी व्रत के दिन भी ठाकुर जी की भी अन्न भोग लगाते हैं, किंतु खाना नहीं चाहिए है, ठाकुर जी खाएंगे तो हम भी खाएंगे ऐसे नहीं है। फिर महाप्रभु आगे भी लीला भी प्रकाश किया, एकादशी के दिन एकादशी कठोर पालन करने लगे, अपने माँ के बोल कहने लगे माँ मुझे एक वर दो, बोले क्या चाहिए, आज से तुम अन्न मत खाना एकादशी के दिन, ये भी शिक्षा दी। जीव शिक्षा के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे लीला दी है। इसलिए कुछ संप्रदाय के लोग कहते हैं अरे महाप्रभु तो चावल खाया हम लोग क्यों नहीं खाएंगे है कि नहीं है, जैसे ऐसे ये उदाहरण देते हैं है। और फिर महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे उसमें देखा एकादशी कैसे कठोर पालन करना है। नवदीप धाम में भी महाप्रभु जब बड़े हुए है उसमें भी कहने लगे माँ एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए है। इसके नैवेद्य खाइला प्रभु श्रीहरि वास रे आदिखंडी शिव चले कोरिया क्रंदन बोला लो सर्वमुखे श्रीहरि कीर्तन है। आदिखंड में छोटे बच्चे के रूप धारण कर महाप्रभु रोने लगे और जब रोते हैं तब कृष्ण कृष्ण नाम करने पर उनके रोना बंद हो जाए है? है? नाम संकट आदिखंडे लोकवज हंडीर आसने बसिया मायर तत्व कोहिला अपने। फिर कह रहे आदिखंड में क्या बोल रहे, लोक वज्र
हांडी आसने जैसे विश्व रूप संन्यास लेने के बाद शची माँ कहने लगी तुम्हें पढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं विश्व रूप के भांति ये भी संन्यास लेकर के चले जाए है, पढ़ने की जरूरत, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, महापुरुष छोटा बालक निभाए के स्कूल जाना बंद कर दिया है, निभाए क्या करने लगे है। महाप्रभु जो है बज्जो हांडी समझ में आता है, लोग बज्जो हांडी आसने बसिला मायते तत्व करिला आपने, ये आपके समझने में कठिन होगा। बज्जो हांडी होता है जैसे किसी किसी घर में मौत हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, बंगाल में ये रसोई जो बनता है वो मिट्टी के बर्तन में, आजकल तो मिट्टी के बर्तन नहीं है, आजकल तो सब जगह में क्या हो गया स्टील का हो गया है, आज हैं है? तो पहले मिट्टी के बर्तन है ना, जैसे किसी घर में मौत हो वा अशौच हो बालक आदि जन्म ग्रहण करने पर उसके सोच मानते, बंगाल में ज़्यादा जो है छुआछूत मानते हैं, छुआछूत समझते हो है? क्या है शुद्ध अशुद्ध के विचार है, यहाँ तक तो भी आप सुनने भी आपके ये लगे, जैसे पुरुष लोग यदि इसमें जाए जहाँ पर पैखाना आदि जो स्थान है जंगल में जाए उसके कपड़ा धोना नहीं पड़ता है, किंतु स्त्रियाँ चले जाए उसको कपड़ा धोना पड़ेगा है। स्त्री लोग कपड़ा पहन करके यदि पैखाना में जाए उसको स्नान करना पड़ता है, पुरुष का इतना विचार नहीं रखता है, यहाँ तक भी माताएं यदि वो करते हैं क्या बोले पैखाना करके यदि आकर के स्नान नहीं किया उसके किसी ने छू दिया उसके भी स्नान करना पड़े, वो तो माँ तो स्नान करेगी और उसके जो छो दिया उसके भी पानी में डुबाएंगे स्नान कराएंगे, सर्दी में गर्मी में क्या है ये सोच रहा, सर्दी में कैसे है उधर, इतना कठिन सर्दी नहीं पड़ता है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बंगाल में पड़ता है मगर इतना नहीं है जैसे दिल्ली और इधर रेगिस्तान है वृंदावन मथुरा में जितने गर्मी है उधर उतना गर्मी नहीं है, आज गर्मी तो है वो थोड़ा भी एक महीने ज़्यादा से ज़्यादा वो भी बारिश हो जाती है फिर ठंडी हो जाती है, इस साल तो देखो अप्रैल हो गया वो भी अभी तक तो जो है स्वेटर उतर नहीं है, ठंडी लग रही कि नहीं है, रात को जो है वो भी कंबल उड़ना पड़ता है न पंखा चला के सो जाते तो मच्छर के भगाने के लिए। अच्छा इसलिए यहाँ पर कहते मैं इसलिए कह रहा था उधर रस्सी जो बनता है किससे मिट्टी के बर्तन में है, आज में चूल्हे में मिट्टी के बर्तन, और जब किसी के घर में मौत हो जाता है उस मिट्टी के बर्तन को क्या करते हैं बाहर फेंक दे, एक विशेष एक स्थान है वहीं पर सभी लोग गांव के सारे लोग वहीं पर रख देते हैं है, उसके स्थान के कहते हैं बज्जो हांडी है, आशा है गांव के अनेक प्रकार के विचार होता है बज वहीं पर कोई चला गया उसके पर उसको भी स्नान करना पड़ता है आ समझे, उस समय आजकल वो सब नियम कौन मानते हैं, आजकल तो सब धीरे धीरे सब लुप्त हो, आजकल के बहुत कम लोग के घर में वो मिट्टी के बर्तन में रसोई बनता है, मिट्टी के बर्तन तो है मैं रसोई बनाते नहीं, सबके घर में क्या है
स्टील है आज सिल्वर वो जो है उसी बना रहते That the rules of the society. If the male person will go to the toilet, no need to take bath. But the ladies will go, still go just the toilet, have to take bath. Even the lady, that lady, if you touch, you have to also take bath. हाँ समझे ये आप लोग के समझ में नहीं है केवल हंसते रहोगे समाज की शुद्ध सदाचार ज्यादा है सोचो असोचो विचार क्या बोला प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी विचार ज्यादा रह पड़ाता है गांव में है आपके गांव में है कि नहीं नहीं है गांव के तरफ आज भी है थोड़ा थोड़ा मिट्टी के बर्तन तो शायद कोई करता नहीं है और वो मिट्टी के बर्तन जैसे किसी को मौत हो गया छोटा बच्चा जन्म लिया उसको फेंक देते हैं फिर नया बर्तन रखना होता है हर घर में कम से कम दो तीन नया मिट्टी के बर्तन रखते हैं आज यदि सिल्वर हो उसके साफ सुधा करके फिर उसे नया करके फिर उसमें थोड़ा ऊपर से घी लगा करके आग के उसे तपा देते हैं आग के द्वारा पवित्र कराते हैं आज समझे आप लोग के समझ में नहीं आया तो इसलिए हाँ यहाँ पर जो कह रहे हैं ये जहाँ पर लोग बच्चे जो हंडी जो है जहाँ पर फेंक देते हैं उस स्थान पर है और निमाई क्या करे उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं है अरे सबको अरे निमाई ये अपवित्र स्थान है तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए है है तो निमाई क्या कह रहे छोटा बालक मुझे क्या पता है आप लोग स्कूल जाना मुझे बंद कर दिया मुझे अच्छी बुरी क्या पता है बालक कैसे सुंदर जवाब दिया बोले स्कूल जाए पढ़े पता चलेगा अच्छा बुरी क्या है ये पवित्र है ये अपवित्र है मुझे क्या है अरे सभी तो मिट्टी है शरीर भी मिट्टी तो है ये मिट्टी ये क्या है माटी के तो विकार ही है सब है आज बात ही सही नहीं ये शरीर में क्या है मिट्टी है पंच पंचभूत है कि नहीं मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश ये सब पंचत्व की विकार सभी तो है हमारे शरीर में क्या है मिट्टी है ऐसे करो मिट्टी निकाल करेगा जल है जल है कि नहीं इसलिए अधिक जल पान करो और प्रातः काल में उठ करके जल पान करो दो लीटर पानी पी लो तो इस यहाँ पर भी देखो वर्णन हो रहा है बहुत सुंदर सुंदर इसलिए आदिकंडे लोक वर्ज्य हांडीर आसने बसिया मायर तत्व कहिला आपने मिट्टी खाते बड़े मिट्टी तो ही है मिट्टी और संदेश में क्या अंतर है संदेश समझते कि नहीं मिठाई है वही तो मिट्टी के विकार है संदेश किससे बना चीनी और दूध मिलाकर के संदेश मिलता है चीनी कहाँ से आ गया शुगर केन से शुगर केन कहाँ से आया अरे गन्ने ही तो शुगर केन है ना शुगर केन कहाँ से मिट्टी से ही तो उगा बोले सभी तो मिट्टी से उगे मिट्टी से विकार है मात्र केवल मिट्टी के विकार सब है तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु माँ के ये समस्त तत्व आदि बताने लगे बोले सब कैसे समझेंगे जब स्कूल में भेजोगे तब तो जिस ये पवित्र है ये अपवित्र है छोटा बच्चा जानते नहीं है जब आप छोटे थे ना टाटी और खाने के एक ही साथ में ऐसे ऐसे कर क्या करते इसलिए कह रहे हैं मुझे स्कूल में भेज तब सची माता निमाई को क्या किया फिर स्कूल में
भेजे हैं पढ़ेगा। आदिखंडे गौरंगे चपल्ल अपार शिशु संगे जन गोकुल विहार। फिर क्या चैतन्य महाप्रभु निमाई है बाल चपल आदि करने लगे है। लड़कियां जो छोटी छोटी लड़कियां जो है शिव पूजा दुर्गा पूजा आदि के लिए सामान लेकर के है पूजा आदि करते हैं। विशेष करके गंगा के तट पर शिवलिंग जो है मिट्टी दे करके बालू दे करके गंगा पूजा ए क्या बोले शिव पूजा आदि करते हैं। बतासा ना बंगाल में क्या मिलता है बतासा देखा सफेद सफेद छोटे इधर मिलता है हाँ दीपावली पर खील और बतास हाँ है बंगाल में इसकी होरी लूट कर दी हाँ ठाकुर जी के भोग लगाया है और फिर बंगाल में ये प्रसिद्ध है बतास है वही बतासा बतासा समझ में ना एक मिठाई जो है संदेश जो है लड़कियां जाकर शिव पूजा के लिए है बेलपत्ता और मिठाई देख ले जाते पूजा के लिए और छोटा निमाई क्या करते हैं और उसी शिव जी के वहीं पर बैठ जाते हैं है बोले मुझे पूजा करो है शिव पूजा क्यों करते हो मेरा पूजा करो है। ब्रह्मा शिव हमारे किंकर अमी दीबर है अरे गंगा आदि जितने भी सब मेरा दासी है सब है जितने भी देव देव तुम लोग पूजा आदि करते आमा पूजो आमी दी बबर महाप्रभु कहने लगे है शिव जी पे पूजा करके तुम क्या चाहते हो है लड़कियां शिव पूजा किस लिए करती है अच्छा पति मिले धन मिले है। महाप्रभु कहने लगे अरे ये तो मेरा किंकर है शिव दुर्गा गंगा हमारे किंकर है ये सब हमार मेरा क्या है दास है दासी है अमा पूजो आमी दीबो बर है मैं बर दे रहा हूँ तुम लोग पति चाहते हो ना अच्छा मैं दे रहा है। कुछ लड़कियां डर जाती है शर्मा जाती है भाग जाती तो कुछ भी देते हैं बोले हो सकता है भाई इसके ऊपर कोई देवता अभिष्ट ना हो गया अब कुछ तो सब भग जाते भाई निमाई जगन्नाथ के छोटा बच्चा ये बहुत चंचल है हम लोग हंसी मजाक भग जाते और महाप्रभु उनके पीछे पीछे दौड़ते छोटा निमाई दौड़ते अरे तो जब पकड़ नहीं पाते हैं महाप्रभु अभिशाप देते हैं जा तेरा वृद्ध पति मिलेगा है आ समझ धनहीन हो जाओगे। फिर वो लड़कियां डर जाती है लुट करके आकर बोले निमाई ना जो है ऐसे अभिशाप मत दो है उसके बतासा और संदेश दे दे ऐसे ऐसे लीला करते हैं इसलिए वही कह रहे हैं है गौरांगे चपल अपार शिशु संगे जनो गोकुल अभिहार है ये सब लीला आदि करने ये लोग कीर्तन करते हैं। कभी कभी माँ सची माँ की भी अंचल पकड़ कर अंचल समझते हो है लास्ट पार्ट ऑफ द क्लॉथ है आज अंचल पकड़ करके रोते हैं कहते मैया मुझे है क्या दो ननी ननी मैंने मक्खन दो है। देखो देखो यासी यतन देवासी हमारो गौरंग चांदी हरे प्रभाते उठिया अंचल धोरिया ननी दे माँ बोली कांदे उधार जलाए प्राण जाए माँ दे दे माँ ननी दे। सच माँ कह रही है ये नवद्वीप वासी देखो मेरा बाल बालक निमाई की कैसे स्थिति है। प्रातः काल में उठ करके निमाई छोटा निमाई जो है माँ शची देवी के चरण ये अंचल पकड़ करके रोने लगे माँ मुझे ननी माने मक्खन में है। शची माँ कहते हैं अमी नहीं ग्वालिनी कोथा पावो ना मैं तो ग्वालिनी नहीं मैं तो ब्राह्मणी हूँ मेरे घर में तो मक्खन नहीं है। अरे प्रातः काल होने दो है मैं ग्वालिनी के घर से मक्खन लेकर के आऊंगी। किंतु निमाई क्या बोली नहीं नहीं अभी मुझे दो
है, आज सूर्य उठा ही नहीं और खाने के लिए मांगते। अच्छा समय हो गया कि नहीं पारण के? अच्छा इसलिए कह रहे हैं निमाई रोना शुरू कर दे, बोले माँ मेरा भूख लग रही है, ऐसे के लिए निमाई धूल पर लूटपोट खाते, ऐसे देख के माँ सची माँ सची माँ रोना शुरू कर देते, क्या करें है? इसलिए कहते हैं देखो देखो आसी जतन नदीवासी अमार गौरंग चांदी प्रभाते उठिया अंचल धरिया ननी दे माँ बलि कानी आमी नही ग्वालिनी कोथा पाव ननी, ये जी विषम है। इस प्रकार निमाई है बाल बिल्कुल साधारण बालक के भांति रोने, एक दिन प्रभाते उठिया त्रिभंग होइया सेजे मुरली बजाय, एक दिन प्रातः काल में उठ करके निमाई त्रिभंग हो करके थ्री बैंड फोल्ड हो करके बंसी बजाने शुरू कर दी। ये कैसे? सची माँ विचार करने लगी, ये बालक हमारे निमाई ये कैसे है? बोले सुने छी पुराने नंदेर भवने ऐसे चेल कृष्ण राय है, मैं पुराण में भागवत में पढ़ा बस सुना, ये नंद महाराज के आंगन में निमा एक कृष्ण त्रिभंग होकर बंसी बजाते थे, हमारे बालक निमाई ये त्रिभंग होकर बंसी कहाँ से मिला है, बांसुरी कहाँ से आ गई? और ऐसे सुना इसलिए करे है ताई मने है क्या है मेरे निमाई वही कृष्ण है? बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, कृष्ण जो आए थे वैश्य कुल में है ग्वाला, और मेरा बेटा ही ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण ही है, रोना शुरू करते कहते एक दिन त्रिभंग होइया अंगना दड़ाइया है सेजे मुरली बजाए, ऐसे ऐसे अद्भुत लीला आदि निमाई करने लगे। सची माँ कभी कभी विस्मित हो जाते हैं, क्या मेरा बालक निमाई वही कृष्ण है? बोले नहीं नहीं ये तो निमाई नहीं है। इसलिए कहते सुने ची पुराने नंदर भवने ऐसे छिलो कृष्ण राय है, देखो हाँ धन्यवाद धन्यवाद हाँ पारण के समय आए पारण के लिए है, हाँ जगन्नाथ जी के प्रसाद हाँ वो रख दो, हाँ यही रख दो, ये लो हाँ ये भी चावल सब जगन्नाथ जी के प्रसाद है। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ अच्छा सुनो दो मिनट सुन एक मिनट सुन लो, हाँ अभी छः दस नहीं हुआ, छः दस से छः पंद्रह तक अरे सब ठीक हो जाएगा इतने, हाँ जगत शिशु संगे शिशु शिशुगण संगे जन गोकुल विहार आदि खंडे करिलेन प्रारंभ पढ़ीते, फिर विद्या अभ्यास करने लगे है निमाई है स्कूल में सबको हराने लगे, इतने निमाई इतने तेज बुद्धिमान है और धीरे धीरे अध्यापक भी बन गए हैं। इसलिए कह रहे हैं अल्पे अध्यापक होइल सकल शास्त्रेते, समस्त शास्त्र में वो पारंगत हो गए, पारंगत समझते हो एक्सपर्ट, वेद पुराण उपनिषद सारे शास्त्र कहाँ कहाँ से बोल देते बालक, छोटा बालक है सब सब आ गया है, गीता भागवत रामायण कोई भी एक भी युद्ध नहीं पता नहीं कहाँ से जितने हैं है। फिर इसके बाद जो है आदिखंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक गमन है, फिर विश्वरूप संन्यास लेने के पश्चात
जगन्नाथ मिश्र भी परलोक गमन किया, माने जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़, जगन्नाथ मिश्र लेफ्ट हिज बॉडी, विश्वरूप, हाँ विश्वरूप सन्यास लेने के बाद जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ दिया है, वो भी बहुत है ये है मर्मांत है। अच्छा विश्वरूप सन्यास सचिर दुई शोक, एक तो विश्वरूप सन्यास ले लिया और जगन्नाथ मिश्र भी शरीर छोड़ दे, इसलिए दुई शोक। अधिखंडे विद्यार विलासी महारंभ पाषंडी दखे जन मूर्तिमंत द्वंब दन। आदिखंडे सकल पड़ुआ गण मेली जाह्नवी तरंगे निर्भय जल केली, महाप्रभु जल केली विलास है विद्यार्थी को लेकर के जल में है विहार आदि करने में है। छोटा छोटा बच्चा क्या करता है, पानी लेके एक दूसरे को छिटकते है, महाप्रभु ऐसे भी करने लगे है। स्कूल में आते हैं है सारे शरीर में स्याही लगा हुआ है, गंगा के तट पर जा करके ब्राह्मण जो है तर्क वितर्क करते एक दूसरे के है अभिशाप देते हैं वो जनेऊ लेकर के है, तो महाप्रभु निमाई पानी लेकर के मुंह में ऐसे लेकर के उनके ऊपर क्या क्या बोलते हैं इसको, मुंह में भर करके ऐसे कुल्ला कर दे, वो लोग बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सुंदर सुंदर लीला है महाप्रभु की लीला है, गुर प्रेमानंद छाई करो आप लोग सब ले लिए। हाँ हाँ ये सबको दे दो। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ और ये जगन्नाथ प्रसाद भी दे दो, बोलो गीता के ऊपर मत रखो, गीता बहुत नीचे रखो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सब हो गया, सब ले लो अपने ले। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय, सब ले लिया। हाँ ये भी ले लो। हाँ कितना सुंदर महाप्रसाद है, चकाचक है। अरे बाबा आओ जल्दी जाओ, पहले आओ पहले आओ पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ। हाँ आइए आइए, समाप्त हो गया आइए। हाँ और किसान नहीं ले आइए, आप देर कर दिया बहुत, क्या करें हैं, ले जाओ हो गया हैं। ये क्या कर बस वो महाप्रसाद है और ये भी प्रसाद दिया गया यहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद, जाए पानी में दे पानी का है, अरे प्रभु के प्रसाद दो दो ये दे, जय हो। हाँ जय जगन्नाथ की जय, जय हो। पारण के समय हो गया ठीक, करेक्ट समय, समय पर हो गया। हाँ हेलो
और ये थोड़ा पानी हाथ में, थोड़ा हाथ में थोड़ा पानी। बस बस अच्छा सुनो, हरी कथा सुन लो थोड़ा, वो है ये प्रसाद ले जाओ। विद्यार विलास आदिकंडे विद्या विलासेर महांत, ये आदिकंडे विद्या विलासेर महारंभ, पाषंडी देखे जन मूर्तिवंत दंभ। है विद्या विलास महाप्रभु नव न्याय आदि प्रकाश करने लगे। है उस समय नवद्वीप धाम की कथा है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया, जैसे इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विद्यालय जो है यूनिवर्सिटी है, सर्वलोक मानना जो है ऑक्सफोर्ड है, कहाँ गई हो यू नो द ऑक्सफोर्ड हरी देर इंग्लैंड लंडन है साउथ लंडन नियर बाय लंडन नो बाय ट्रेन हाउ लॉन्ग 1 hour फॉर लंडन मिडल ऑफ द लंडन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तात्पर्य यही है उस समय विद्या के केंद्र जो है नवद्वीप धाम, और विशेष कर नवद्वीप में जो विद्यानगर जो हम जाते हैं है, उस समय समस्त विद्या के जो है इसमें चर्चा होती थी है, और इसके आगे भी था जो है जिसे कहते हैं मिथिला है, मिथिला जनकपुरी मिथिला, वहाँ पर भी पढ़ाया जाता था, नव्य न्याय पढ़ाया जाता था, नव्य न्याय न्याय शास्त्र पढ़ाया जाता था, और उस न्याय शास्त्र के द्वारा सबको क्या कर देता है, पराजित कर दिया जाता है। महाप्रभु ऐसे ऐसे सूत्र आदि निकालते थे, बड़े बड़े पंडित लोग भी है पराजित हो जाते है के नय के है कर देते, जो नहीं है उसको स्थापन कर देते, और जो है उसके भी खंडन कर देते है। आज में ऐसे ऐसे युक्ति आदि महाप्रभु दिखाते थे है, बड़े बड़े पंडित को जो है पछाड़ देते है, तो बालक है 17-18 साल की बालक है निमाई है, और बड़े बड़े पंडित 80-90 साल के जितने बड़े बड़े पंडित जो है वो पंडित भी महापुरुष के पास आकर थत्थर थत्थर करके रब है कंपते थे है, इतने महापुरुष की इतना तीक्ष्ण बुद्धि जो है एकदम बड़े बड़े पंडित के भी पछाड़ देते, केशव काश्मीर जैसे जो सरस्वती के साक्षात वरपुत्र है, माने साक्षात सरस्वती देवी उनकी कंठ में विराजमान, इतने रिद्धि सिद्धि प्राप्ति कर ली है, दैव बल, कोई देवता किसी के ऊपर अभिष्ट हो जाए उसके कौन हरा सकता है, इसलिए कहते दैव बल बलम ही परम बलम है, क्या बोला दैव बल है। आज ऐसे ऐसे आजकल ये दिखा दें किसी के ऊपर देविया माता बोलते हैं ना कि अभार ये हो जाता है, हैं वो बोलता रहता है, भूत भी आ जाता है, हैं किंतु कभी कभी ठीक बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोल ठीक नहीं बोल पाते हैं। आज
तो जैसे भी हो दैव बल ही परम बलम है, आज है ना। आजकल उसके भी बहुत टीवी में आता है, क्या नाम है वो है, बागेश्वर धाम, वो बहुत चैलेंज देते भी है, है? उसके आजकल बहुत मीडिया में चल रहा है, मीडिया लेकर के, और मीडिया जो चाहे वो करा देते हैं, हैं? हाँ सर, मीडिया के ये है, किसी के ऊपर उठा देते हैं, किसी के ठीक है, क्या राजनीति धर्म नीति सब नीति में मीडिया पहुंच जाते हैं, है कि नहीं है, बात सही सत्य है कि नहीं, चलो जो जैसे मेरे कहने की तात्पर्य जो है जैसे भी हो है दैव बल ही परम बलम है, ये देवता किसके ऊपर अभिष्ट हो जाए उसके कौन हरा सकते हैं, किंतु इंद्रजीत के भी पराजित कर दिया, कौन लक्ष्मण है, वो कौन सा देवी निकुंभला के यज्ञ में है, वो दिखाया ना रामायण में इंद्रजीत है क्या, हाँ निकुंभला के यज्ञ में वो इंद्रजीत उसके कर लिया तो उसके कोई नहीं मार सकते, हरा नहीं विजय प्राप्त, और देवी के जो है इतने उपासक, और उसी समय है विभीषण उसके ले गए लक्ष्मण को लेके जा करके, उस समय इंद्रजीत के ऊपर आक्रमण करने लगे और उनके यज्ञों के क्या कर दिया, लंड भंड कर दिया है, हाँ सर ये दिखा रावण दिखा कि नहीं दिखा है, क्या ध्यान देना चाहिए है, मेरे कहने की तात्पर्य है दैव बल ही परम बल है, दैव बल कम नहीं है जिसके, इसलिए लोग तो इसी के द्वारा रिद्धि सिद्धि आदि का देव ले लेते हैं, किंतु भगवान के पास दैव बल भी काम नहीं करेगा है, आज यही तो दिखाया, लोग रिद्धि सिद्धि अनेक प्रकार के चमत्कार आदि लोगों के दिखाते हैं, कहाँ से दिखाते हैं, ये समझते देवता के बल प्राप्त है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं है, किंतु जो भगवान के जप मंत्र जप करने वाले हैं देवता लोग भी उसे कुछ नहीं करते, आते नहीं, देवता लोग प्रणाम करके चले जाते हैं, हाँ समझ यही तो दिखाते हैं, इसलिए विश्वास के साथ कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए है, कोई तुम्हारे कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे, विश्वास करो, हरिनाम करो, जो हरिनाम करने से सारे ग्रह आदि सब अपने आप है प्रणाम करके चले जितने भी है सबके प्रणाम, आज ये विश्वास होनी चाहिए है, गोपाल मंत्र में ताकत है कि नहीं, शक्ति है, मंत्र राज गोपाल मंत्र जप करो सब है, गोपाल मंत्र के पास कोई मंत्र ही नहीं है, इसलिए गोपाल मंत्र की कहा जाता है मंत्र राज, समस्त देवता लोग भी आकर के सिर झुका लें, ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके लौट करके चले जाएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बिस्किसन ऐसे महाजोगी थे, सिर केवल सिर के बाल को ऐसे जटा को ऐसे हिला दे तो आग जैसे निकलता था है, सब भग जाता, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि है यही कृष्ण मंत्र की जब बल है भक्ति विनोद ठाकुर, और जाकर उसको बाल को ऐसे पकड़ लिया और सारे बाल को काट दिया और काट करके उसको जेल में डाल दिया है, तो इसमें दिखा रहे हैं जो कृष्ण भक्त जो होते हैं शुद्ध भक्त बन जाए तो उनके ऊपर भी कोई असर नहीं आएगा है, देवता लोग भी कुछ नहीं करेंगे है, ब्रह्मास्त्र भी प्रणाम करके लौट करके चले जाए है, आज आज विभीषण भी
ए भीषण कर क्या बोले ये कुंभ क्या बोले कुंभकर्ण कुंभकर्ण रावण के भाई कुंभकर्ण भी कहने लगे भैया अब ये जानते हो राम साक्षात नारायण है भगवान विष्णु है आप विष्णु की पत्नी को तुमने हरण कर लिया है वो दिखा नहीं बोले अरे विष्णु के साथ कोई टक्कर लेता है ना तुम कुछ कर सकते उसको है ब्रह्मास्त्र भी कोई काम नहीं करेगा शिव अस्त्र है कोई काम नहीं करेगा और विष्णु के तुम पत्नी के तुम हरण कर लिया कितने सुंदर उदाहरण दे रहे हैं देखे ना कुंभकर्ण कर है तुम सवंश में ध्वंस हो जाओ है सोल्यूशन क्या है बोले वापिस कर दो है कुंभकर्ण बोले भैया तुम वापिस कर दो बोले रावण जो एक पैर आगे बढ़ जाता है वो कभी पीछे सिर कटा लेंगे किंतु सिर झुकाएंगे नहीं है वापिस नहीं आएंगे हार से तो कितना सुंदर उदाहरण दिया दैव मेरे कहानी की तात्पर्य है दैव बल भी कम नहीं किंतु देवता के बल भी कहां पर परास्त हो जाते हैं जो विष्णु की आराधना करते हैं देवता लोग भी उनके भी प्रणाम करके आगे चले है ना इसके अनंत क्या हुआ भगवान विष्णु प्रसन्न और प्रसन्न हो जाएंगे देवता कहेंगे तू मेरा भक्त के सताया जाओ तुम्हारे पद से मैं निष्कासित कर देता हूँ है निरस्त कर क्या बोलते हैं है एक्सपल कर दे जाओ ये है देवता लोग भी डर है कि नहीं है इसलिए देवता लोग विष्णु भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं डालते है इसलिए शुद्ध भक्त बने जो शुद्ध भक्त विष्णु भक्त होते भगवान ए क्या बोले देवता लोग भी आते ही नहीं है और जो स्वयं भगवान गौरी सुंदर तो स्वयं भगवान ही है केशव काश्मीर अपने रीति सिद्धि आदि के द्वारा देवी सरस्वती है द गॉडेस ऑफ नॉलेज ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की भी वशीभूत कर लो है जो बोलता था वही बोलने के पहले सरस्वती देवी उनके गले में आकर के अधिष्ठित हो जाते थे और मुंह से वो बोलते वो नहीं बोलता था है देवी सरस्वती है बाग देवी जो कहा जाता है उनके कौन पराजित कर सकते केशव अवकाश में आ गए है नवद्वीप के बड़े बड़े पंडित लोग थत्थर थत्थर के कांपने इसके कैसे पराजित विचार कर निमाए बोलो डिग हाँकते हैं हम लोग क्या रात इसके सामने कर दिया जाए सब पंडित लोग कहने लगे अरे हम लोग के पास क्या करे पहले हमारे छोटा है नवद्वीप के छोटा बच्चा के बाद व्याकरण पढ़ाने इसको तो हरा उसके साथ शास्त्रार्थ करो किंतु पंडितों को विश्वास है ये निमाई की कोई हारा नहीं पाएंगे है यदि हारा दिया फिर देखा जाएगा हम लोग है सारे पंडित मिल करके केशव काशी मिल के बोले जाओ ये निमाई के पास जाओ है उस समय चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन था समय था रात्रि का है पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो रहे कितना सुंदर भी सरकमस्टेंस भी कैसे सुंदर है गंगा के तट पर निमाई अपने शिष्य के लेकर के बैठे है और ऐसे सुंदर गंगा गंगा की जल इतने सुंदर निर्मल पवित्र है और भिन्न भिन्न हवा भी चल रहे धीरे धीरे गंगा की स्रोत है लहरियाँ धीरे धीरे ऐसे प्रवाहित होती जा रही कितने सुंदर कल 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 करके प्रवाहित हो रहे है गंगा की जल धीरे धीरे तट पर आकर के वर्षा करके ही चले थे कल 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 करके जा रहे कितने सुंदर है और पूर्व दिशा पर चंद्रमा भी उदित हो रहे हैं लाल लाल आभा जो कुमकुम युक्त जो है आभा आकर के गंगा के जल को ऐसे सुंदर है पवित्र बना दी देखने इतने सुंदर है कुमकुम आभा जैसे प्रथम चंद्रमा की जो किरण जो है
आकर के देखो, एक तो पूर्व दिशा के मानो कुमकुम लिप्त कर दिया, कुमकुम के द्वारा रंजित कर दिया, और फिर चंद्रमा की जो आभा जो है, छटाएं जो है, रेज ऑफ द मून, वो के है गंगा की जल इतनी सुंदर है, और वहीं पर गौरचंद्र गौर सुंदर है और ऐसे विराजमान है गौर सुंदर जी है, कितना भाव में आविष्ट हो गए गौर सुंदर अपने शिष्यों के साथ, विद्यार्थी के साथ है शास्त्र आलोचना कर रहे थे, और इतने समय केशव काश्मीराज है महापंडित है विश्व विजयी है अपने सेना आदि लेकर, सेना माने बड़े बड़े पंडित को लेकर के भी सबके पराजित, सबके साथ में है हाथी घोड़े सब लेकर के आए हैं, दिग्विजय सबके जाय विजय विजय प्राप्त करके आए हैं। किसी के पूछा निमाई पंडित, निमाई कहाँ पर है, वो पंडित नहीं मानते, वो पंडित मानते हैं मैं जो पंडित हूँ और सब मूर्ख हैं। आ समझे केशव काश्मीर इसने दम्भ अहंकारी है, निमाई कहाँ, किसने कहा यही गंगा के तट पर जो बैठे हैं अपने शिष्यों के लेकर है, वह आकर के पूछने लगे क्या तुम्हारे नाम निमाई है, महाप्रभु ही दीन हनु कर हाँ है, मैंने सुना तुम महापंडित हो है, मतलब क्या तुम महामूर्ख हो ये कहना चाहते, मैंने सुना तुम महापंडित हो है, बहुत लोग के परास्त करते सुना मैंने तुम्हारे, महाप्रभु ने नहीं नहीं है आप जैसे महापंडित मैं तो आपके पास कुछ नहीं है, नहीं नहीं आप पढ़ाते हो, बोले मैं अपने छोटे छोटे बच्चा को मैं पढ़ाता हूँ, वो भी कौन सा शिशु शास्त्र, शिशु शास्त्र जानते इन्फेंट बेबी जैसे हैं है, और पढ़ते हैं ना अयोध्य गौर आश्चर्य क्या बोलते हैं अनार है, बस यही पढ़ाते हैं, व्याकरण लेकर के पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, वो भी मैं पढ़ाते हूँ जो मुझे भी समझ में नहीं आता है, मेरा शिष्य भी उसको भी समझ कहाँ आता है, है महाप्रभु धन्य करके कहने लगे मेरा समझ भी नहीं आता है और मेरा शिष्य लोग कहाँ तक समझते हैं मुझे भी पता ही नहीं है, अरे नहीं मैंने सुना तुम मेरा साथ शास्त्रार्थ हो, बोले आप जैसे महापंडित आपसे कैसे समझ शास्त्रार्थ कैसे करो, अरे नहीं नहीं मैंने सुना तुम बड़े बड़े पंडित के भी पछाड़ हरा देते हाँ, महाप्रभु ये दीन हीन गुरु फिर कहने लगे मैं तो शास्त्र तो शास्त्र समझता नहीं, और भी कौन सा शास्त्र पढ़ाता हूँ व्याकरण है वही बस व्याकरण पढ़ाता हूँ, अरे मेरा साहब शास्त्र तो, महाप्रभु बोले ठीक है बैठे, जो महाप्रभु दीनहीन करके बोले आप बताओ हम जहाँ पर बैठे हैं गंगा की कुछ महिमा सुनाई है, आप तो महापंडित हो, बोले और क्या मैं महापंडित हूँ, यस ऑफ कोर्स है महापंडित है, महाप्रभु बोले आप गंगा के महिमा श्रवण कराई है, सेकंड एक सेकंड में हजारों श्लोक जो है सरचित श्लोक गंगा की महिमा कीर्तन कर है, आसन है 100 किलोमीटर वेग से जो हवा चलती है ना धड़ा धक बोल उसे समाप्त तो नहीं हो रहे, बोलते जा रहे बोलते जा रहे धड़ा धक बोलते जा रहे कोई समाप्त तो नहीं, हजारों श्लोक बोल दिए है, बोले जब समाप्त है महाप्रभु करके वाह आप तो जी महापंडित आप इतने सुंदर श्लोक, आनंद आ गया है, कोई एक श्लोक के आप महापुरुष ने कहा कोई एक श्लोक की व्याख्या मुझे आप बताए सुनाइए, बोले कौन सा श्लोक चाहते, और महाप्रभु उन्होंने जो श्लोक बोला उसके एक श्लोक गंगा महत्तम गंगा के महत्व के श्लोक एक श्लोक महाप्रभु बस उसके सुनते ही तो चुंग उठे
मैं हवा के वहां हाय है, इतने तेज से मैं श्लोक बोला, ये कैसे श्लोक याद कैसे कर ली है? किताब पढ़ के 10 बार किताब पढ़ के याद नहीं होता, धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र याद होता है गीता के श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता जो सब मम का पांडवाश्चैव केम कुरुवत संजय है, वो भी भूल जाते धर्म क्षेत्र इसके बाद कुरुक्षेत्र है। अच्छा बात ऐसे ही है कि और इसलिए केशव कश्मीर सोच रहे हैं, अरे मैं तो श्लोक थोड़ी बोला, केशव कश्मीर मन ही मन सोच रहे ये तो श्लोक मेरा कौन बोले, साक्षात विद्या के अधिष्ठात्री भी सरस्वती वो बोले, तो मेरे मुख से केवल निकल रहा है। और ये कैसे याद कर, महाप्रभु भी कम नहीं, महाप्रभु सर्वंत्र जान लिया, बोले करे कोई बात नहीं आप जैसे हैं जो ऐसे बोल सकते हैं तो कोई किसी की स्मरण शक्ति भी अधिक हो सकता है, एक बार सुन करके याद कर ले, जैसे मेरे गुरुदेव ना बामन गोस्वामी महाराज है, एक श्लोक कहीं देख लिया तो याद, पढ़ना तो बहुत गया ऐसे देख लिया याद, जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, हम एक बार गुरुदेव को हम लोग पूछते थे उस समय, गुरुदेव आपको कितना श्लोक याद है आप बताओ, बोले देखो 7 दिन 7 रात जब मैं श्लोक बने तभी समाप्त नहीं हुआ, इतने श्लोक याद है, गौड़िया डिक्शनरी उनको उपाधि दिया गया है, इतना है। यह तो भी गुरुदेव उनकी इतना स्मरण शक्ति था, ये कौन सा किताब कितने पेज नंबर भी बोल देते, हम तो श्लोक नंबर भी भूल जाते है, यहाँ तक भी कौन सा एडिशन जो है कत साल में वो प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ, एक किताब ऐसे देख लिया ना है, उनके कोई किताब देते हैं ना ऐसे है बस है। आज गुरुदेव की आविर्भाव तिथि पर हम वो उनके व्यास पूजा हुई थी नवद्वीप में, मैं एक ही व्यास पूजा अटेंड किया था उनका जीवन में, चलो बामन गोस्वामी महाराज के हैं आविर्भाव तिथि पर जो है नवद्वीप में जो है, उस समय संत शांत क्या नाम वो प्रभुपाद के शिष्य भक्ति हंत प्रभुपाद के अंतिम शिष्य संत महाराज है वो आए थे हैं गुरुदेव के व्यास पूजा पर नवद्वीप में देवानंद गौड़ी मठ में, जिस साल में वो इन्हें जो हाईजैक कर लिया था, वो प्लेन हाईजैक हो गया था ना वो इससे जो आया था क्या बोले काठमांडू से 98 था वो नहीं नहीं 98 और 99। और देखो हम लोग आए ना, हमारे पीछे का जो है फ्लाइट जो हाईजैक हो गया था, हम जो 2 प्लेन आ रहे थे है? हम लोग के प्लेन जो काठमांडू टू कलकत्ता, हम लोग के प्लेन उड़ गए और वो पीछे जो प्लेन जो था वो उड़ गए एक साथ में, करीब 15 मिनट 10 मिनट ऐसे जाए 10 मिनट के बाद भी वो प्लेन, हमारे प्लेन पहले उड़ गए है और उसके पीछे जो प्लेन जो था उसको हाईजैक किया वो है। हम जब कलकत्ता में जब पहुंचे तब वो ये आने लगे, समाचार आने लगे है ये प्लेन हाईजैक, ठीक बिल्कुल हम लोग की प्लेन है लैंड किया है, उस समय समाचार होने लगे, वो फिर प्लेन के लिए कि कहाँ कहाँ ले गए कबूल ले गए वो सब जो आप सुन है, यदि हम लोग के प्लेन है देखो मैं ये करने ठीक उसी साल आप याद रखना है क्या जी 24 दिसंबर 1999 है वो गुरुदेव के जो है माने बामन गोस्वामी महाराज की है व्यास पूजा है नवद्वीप में है, उसमें हम लोग है वो गुरुदेव के वो मैं एक किताब दिया था क्या ये भागवत गीता वो
भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से लिया, और एक किताब दिया था गर्ग संहिता को नहीं, गर्ग संहिता उसे दो, गर्ग संहिता है गुरुदेव ने ऐसे ऐसे देखा उनके स्कैन हो जाते, उनके कोई किताब देते ना है वो ऐसे स्कैन हो जाता है, इतना उनकी स्मरण शक्ति है, है? है? वास्तव है। उन्होंने कहा है, बोले उनकी अलमारी में जितने किताब है, बोले गुरुदेव आप किताब रखे सब किताब पढ़ा, बोले कोई किताब उठा करके लाओ पूछो मुझे है बता दें। ये आश्चर्य है हम तो अच्छा ठीक है हम लोग तो भी किताब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं भाई, एक पैसे पढ़ लिया थोड़ा बहुत ला दिया, उनकी किताब कोई देते हैं ना है उसी में पता नहीं, यही तो कहते हैं अपरागी दिव्य लीला है, आश्चर्य है ये पढ़ ली। और एक यहाँ तक भी जो है उन्होंने भी बता देंगे ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है, यहाँ पर लिखा है ना प्रकाशन ये भाव लिखा है, है? ये सारे बता दें, इतना तो कितने साल एडिट हुआ है एडिशन है, है? कहाँ से हुआ बरमपुर और जैसे जैसे बंगला कीर्तन ज्यादा बरमपुर के एडिशन होता है, है? वो बता दें, है कोई भी श्लोक बोलो श्लोक बता देंगे सर, पेज नंबर तक भी बता दें, श्लोक नंबर तो बोल देंगे पेज नंबर एडिशन इतना थे सारे, इतने स्मरण शक्ति है। महाप्रभु आइए कथा में समय हो गया ना है, तो केशव काश्मीर आश्चर्य जी का मैं इतने तेज से मैं श्लोक बोल गया और कैसे याद कैसे कर ली है, तो महाप्रभु कहने लगे आप जैसे जो तेज से आप बोल सकते हो किसी में श्रुतिधर भी हो सकता है, है इसमें विस्मय कोई बात नहीं, स्मरण कोई रख सकते किसी का स्मरण बहुत तेज होगा है। अच्छा महाप्रभु श्लोक के उठा ली, इसको श्लोक के बता है व्याख्या आदि है, मेरे मेरे श्लोक में कोई दोष नहीं है सब गुण गुणी है, महाप्रभु दीनहीन होकर के कहने लगे यदि आप मुझे आदेश दें तो इस श्लोक के कुछ गुण और दोष में विचार करो, मतलब मेरे श्लोक में कोई दोष नहीं हो सकता, कोई दोष नहीं सकते गुण गुण ही है, किंतु उनके कॉन्फिडेंशियल क्या है मैं थोड़ी बोला, बोले कौन देवी सरस्वती है साक्षात देवी सरस्वती, उनकी गलत हो ही नहीं सकती है, किंतु महाप्रभु ने क्या किया उसमें पांच गुण और पांच दोष बता दिए व्याकरण के अनुसार है अलंकार शास्त्र के अनुसार है, महापुरुष के दोष दिखाए है बस है केशव कश्मीर हो गया है, महापुरुष के शिष्य लोग हाथ ताली हासिल करने लगे एक ताली बजाने लगे है बड़े ढीक आकर कहा महाप्रभु नम्र देखो ये पंडित जो होते हैं उनके सम्मान उनके हंसी मजाक करने अपने शिष्य के बल, और उस समय केशव काश्मीर बहुत दुखित हो गए हैं लज्जा में है, महाप्रभु फिर करने लगे से काल आ जाना आज समय भी तो हो गया रात हो गई आज थक गए शहीद काल विचार शास्त्र लाभ करेंगे कोई बात है, और रात्रि में जाकर के केशव काश्मीर अपने देवी के आराधना मंत्र जप करने लगे हैं सरस्वती मंत्र जप करने लगे, स्वयं देवी प्रकट हुए बोले देवी आप हैं इतने बड़े समुद्र के तो पार करा दिया आकर के छोटा सा एक है पोखर में पोखर नहीं है वो क्या बोलते हैं गड्ढे में है वहीं पर डुबा दिया, अरे निमाय केवल क्या बोले वो व्याकरण के साथ ना उसके अलंकार के ज्ञान है ना कुछ है ऐसी, देवी सरस्वती कहने लगी हे पंडित केशव काश्मीर तुम जानते नहीं साधारण बालक नहीं ये साक्षात
कृष्ण भगवान है, हम लोग देव देवी हैं, है हम इनके पास कैसे जाएं? है ये मेरा स्वामी है, पति है, कौन निमाई साक्षात भगवान है, हम लोग तो सब दास दासी है, है दास दासी प्रभु के निकट कैसे रहते, दीनहीन हो हम कैसे करें, जानते हैं हे नि आप महाभगवान हो। संग देवी सरस्वती कहने लगी हे केशव काश्मीर आप संग महाभगवान हो, साक्षात कृष्ण के आपने दर्शन किया, जाओ प्रातः काल में जाओ और जाकर के उनके चरण में अपने को समर्पित करो, है तो महाभगवान है। फिर देवी की कृपा से वो केशव काश्मीर प्रातः काल में आए और महाप्रभु की आप पास आके क्षमापन करने लगे, उसमें बहुत सुंदर शिक्षा है महाप्रभु करने छाड़िए विप्र सकल जंजाल है, कृष्ण भक्ति करू करण सकाल महाप्रभु कहने लगे ब्राह्मण ये सब लाभ पूजा प्रति सब कुछ छोड़ छाड़ करके है कृष्ण के भजन कीजिए, है सही से विद्यार फल जानिए निश्चय कृष्ण पाद पद में जानो चित्त वृत्ति रहे, विद्या के फल क्या है भगवत भक्ति करना, ये कुछ नहीं मिलेगा तुम है सा विद्या तन मतीर जय, विद्या के फल क्या है भगवान में मति रहे कृष्ण सेवा है, ये विद्या फल कुछ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ है, केवल लाभ पूजा प्रतिष्ठा ही तक तो आ जाएगी है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति आ जाएगा किंतु अंत में कुछ हाथ में नहीं मिलेगा, आज धन संपत्ति जो लाभ ये पर रह जाएगा, शरीर छोड़ जाए बस क्या रह जाए, फिर कहाँ जन्म लेना कहाँ कहाँ शुकर कुकर होके जन्म लेंगे, ऐसे कोई पाण है ऐसे कोई नहीं है जो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिले, पंडित हो गए तो क्या हो गए कुत्ता हो गए जन्म लेंगे भाव 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 करेगा है, बात ऐसे ही है कि नहीं ना है ना, कुत्ता होकर के पंडिता ही करेगा करेगा नहीं करेगा वो तो भाव 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 करेगा है, गाड़ी को पीछे दौड़ेगा दौड़ेगा और गाड़ी का पहिया थोड़ा है घूम जाए तो फिर गए, देखे ना रास्ता में कितने कुत्ते मर जाता है चटनी बन जाता है सब है, प्रातः काल में आप गाड़ी लेकर जाओ देखो 8-10 कुत्ते वो गाड़ी के पीछे दौड़ता रहता है, है सोचना है ये क्या है खाने के लिए है, कहेंगे कुछ कुत्ता जो है बहुत दूर तक चलते हैं 100 मीटर तक दौड़ता रहता है, है गाँव 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 है पीछा कर रहे है बस वही करते रहे, अरे पंडित हो गया तो क्या हो गया कुत्ता हो गया जन्म लिया, अरे महाराज क्या नाम हिरण जन्म भरत महाराज जैसे है वो भी तो हिरण जन्म लिया, हिरण जन्म लेना पड़ा हिरण हो करके दौड़ने लगा, तो फिर ऐसे कोई गारंटी नहीं है अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिल जाए है, आज इसलिए कृष्ण भजन करो, कृष्ण भजन करने पर ये गारंटी है अगले जन्म में आपके क्या मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, सुचिनांग समतांगे योग भ्रष्ट है अभिजात, ये आपके गारंटी है, यदि अपराध नहीं किया तो वैष्णव चरण में अपराध नहीं किया तो 100% गारंटी है अगले जन्म में क्या मिलेगा आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, और उच्च ब्राह्मण घर में सुचिनांग श्रीमतांग गृह धनवान गृह में जन्म ग्रहण करें, भक्ति कर्म में किसी प्रकार आपकी असुविधा नहीं होगी है, धन संपत्ति इतने मिल जाएगा ठाकुर जी की सेवा जितने भी करो है, आर्चन भगवत नाम करो है सेवा में अम्बरीश महाराज की भांति आपको हो जाओ है, सारे नौकर फकर के लगा देंगे काम में और अपने क्या करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। अम्बरीश महाराज तो ही करते थे ना, इतने विशाल राज्य के कैसे परिचालना करते थे, सब मंत्री आदि के इधर अमात्व विश्वस्त लोग जो है उसी प्रकार लोग भी उसके क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, भगवान व्यवस्था कर देते हैं, है कि नहीं। समय जब आ जाता है ना, ऐसे से लोग आ जाते हैं। देखो स्वामी महाराज विश्व में कैसे प्रचार किया भगवत ईश्वर से, ऐसे से सब धनवान व्यक्ति भी सब आ गए, जुड़ गए है, विद्वान व्यक्ति भी सब जुड़ गए है। आगे समय कोई धन के अभाव भी नहीं हुआ, पंडितों की अभाव नहीं हुआ, इसलिए तो ग्रंथों के देखो कितने प्रचार कर दिया, प्रकाशन किया है। भक्ति में भक्ति वेदांत साई महाराज की एक करिश्मा है, ऐसे किसी आचार्य के दिखाई नहीं पड़ता रहता है तो कोई, किंतु ये देखो कितने करिश्मा कैसे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद है, कितने सब बड़े बड़े सब धनवान के घर के लोग विद्वान जैसे है, भक्ति देव माधव गोस्वामी केशव गोस्वामी महाराज है, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, कितने सब सब एक एक से कम नहीं था, विद्वान कम नहीं था, धनवान भी सब थे है। तब तक प्रचार प्रसार हो गया, प्रचार प्रसार होता है दो से, एक होता है मैन पावर और एक होता है मानव, भगवान भेज देते हैं उसी प्रकार प्रेरणा दे कर है। यह आश्चर्य की बात है, भक्ति शांत प्रभुपाद है, देखो कितने उनके परिकर कहां कहां से आगे और जुड़ गए है, और इतने प्रचार आदि करना है। भक्ति वेदांत साईं महाराज जी भी ये दिखाई जाए, सब लोग जुड़ जाते है, ये भगवत प्रेरणा से ही होता है सब है। प्रचार प्रसार हम चाहते हैं, हम प्रचार कर ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं है, हम सब क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किंतु जो भगवान की इच्छा जो प्रेरणा करें, इसलिए किसी प्रकार निरुत्साहित तो होना नहीं चाहिए, कैसे होना चाहिए, सदा सदा उत्साहत निश्चात है। ये कैसे होगा कि अरे सब भगवान की इच्छा, तो उसी प्रकार लोग भी जुड़ जाएंगे सब है। जब जिसके समय आता है ना, समय बहुत बलवान है, टाइम इज वेरी पावर है, इसलिए डर ना मान, हम प्रयास करते रहे है? हम प्रयास कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा ही है वो हो जाएगा, गुरुदेव की इच्छा है वो हो जाएगा, और नहीं चाहे तो नहीं, आप प्रयास करो बस, एक ही सब नहीं, सब शिष्य के ऐसे उत्साह होनी चाहिए, नहीं भेजा बिड़ाल की भांति बैठा रहो, भेजा बिड़ाल समझते कि नहीं, नहीं समझते। जो बिल्ली पानी में भीग जाता है, भीगे है ना वो चुप जाएगी, उत्साह होनी चाहिए, उत्साह निश्चात है, उत्साह निश्चात धर्जा तत्त कर्म प्रवर्तनात् है, प्रयास करो। वो मैं इंटरनेट में वो देता ना है, एक जो क्या बोले भालू है, देखा है ना, वो ऊपर चढ़ गया ऊपर, उसके छोटा बच्चा जो है पीछे पीछे उड़ता है, वो ऊपर उड़ जाता है, फिर 100 मीटर नीचे गिर जाता है, फिर प्रयास करते हैं, वो बर्फ है, है? देखा है ना वो, उसमें वो संग जो दिया है बहुत सुंदर है, है? बार वो चढ़ जाता है फिर आ जाए, उसको माँ पकड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ ही गया, उसके माँ उसको पकड़ने के वैसे किया और वो बर्फ जो है वो धस गया, और वो बच्चा क्या है ऊपर से कितने नीचे आ गया, इंटरनेट देखा ही नहीं देखा, और उसके संग भी दे रहे हैं है? वो कीर्तन जो है उसी प्रकार है, आ देखो, और फिर अंत में चल जाए, फिर वो दे 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 कर अपने माँ के पीछे पीछे दौड़ते चल, देखा नहीं वो, ये हमें उत्साह देते दे। है तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ, प्रयास करते रहे साथ ए, जीवन में तो आएगा, उसमें उस संग में है ना, क्या संग है, क्या कीर्तन है, वो हिंदी कीर्तन है ना, वो बहुत सुंदर है, उसके जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट है वो है, कीर्तन के साथ वो जो वो दिखाया है, ये भालू और उनकी छोटा बच्चा जो है देख करके जब नीचे गिर जाता बिल्कुल ऊपर चढ़ ही गया, उसको माँ जो है हाथ पकड़ने के लिए ऐसे किया, ऐसे किया,
है और वो बर्फ क्या हो गया, धस गया, और धस जाने के बिल्कुल तब हम लोग की निराश हो जाता है कि नहीं। और फिर वो बच्चा क्या करते है, फिर उड़ता रहता है, उड़ते रहते उड़ते रहते है। हाँ चलाओ है। हाँ ये देखो ये बच्चा कैसे जा रहा, कीर्तन आते है कि नहीं। अरे मेरा इंटरनेट में मैं कई बार उसको भी छोड़ दिया, फेसबुक में है हुआ, हाँ डाला था मैंने। बाद में वास्तविक जीवन है, समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, टाइम इज वेरी पावरफुल है। समय आने पर सब होते, जब प्रभु की इच्छा ही होगा है। प्रचार प्रसार उसी प्रकार ही होता है, महापुरुष की कृपा जब हो जाता है, महापुरुष जब चाहते हैं वो सब सारे क्या है संयोग बना देते हैं है। भक्ति वेदांत साईं महाराज कितने प्रयास किया, संन्यास लेने के बाद झांसी आदि कहाँ कहाँ घुमा, किंतु हुआ ही नहीं। बोले अंत में जा, ये मेरे द्वारा नहीं होगा, राधा दामोदर में रह करके मैं भजन करता हूँ, और वो इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता ट्रांसलेट करता। देखो समय आ गया है, समय है कि नहीं। श्री गुरुदेव उससे मिले और ये क्या करते करते है, फिर विदेश जाने की भी उनकी भी है, उन्होंने सोचा ही नहीं विदेश जाने है। मिल गया वो भी, देखो टिकट भी उसको दे दिया, क्या बोले जल जहाज में, प्लेन तो नहीं दिया है। और देखो चले गए अमेरिका, वो भी एक साल तक अमेरिका में घूमने लगे, एक साल तक भी उनकी भी प्रयास भी सफलता नहीं, उनके जीवन का ही लिख है। विचार करने लगे, करी करी एक साल हो गया है, इंडियन एक्सेंट कौन सुनेगा अमेरिकन, समझ थोड़ी पाता है। उन्होंने भी लिखा है, चलो गुरुदेव के नानगुरु से लिखा है, मेरे इंडियन एक्सेंट होने के नाते है मैं समझता हूँ ये लोग 70% भी समझ नहीं पाते मेरे भाषा को है, 70% 30% समझ पाते, तथापि इन लोग के साथ मेरे पास आते बैठते रहते है। उस लोग भक्तिवेदन साईं महाराज के जो पत्रावली जो है, जो श्री नान महाराज के जो भेजा था, गुरुदेव के जो भेजा था, उसमें लेटर में लिखा है, तथापि जो है ये लोग आते है। और देखो ऐसे करते करते कहाँ गया, न्यूयॉर्क में आ गया। मैं सोचने लगा मैं वापिस चला जाता हूँ, इतना दिन हो गया है आज समझ। और इंडियन लोग के इतना आदर भी नहीं करते लोग, जो ले गए थे वो तो कहाँ है, वो जो था क्या, तो इंडियन जो है वो तो धनी भाई, तो वो उतना आदर नहीं, बोले ये सब उतना वो भक्ति भक्ति नहीं रखता है। चलो फिर बहुत करके कष्ट करके इधर उधर घूम घूम करके किसी प्रकार से जो है न्यूयॉर्क में आए है, और विचार कर यहीं से चला जाता हूँ जैसे भी हो है। वो कौन सा पार्क है, टमकिन टमकिन स्क्वायर, और कीर्तन कर लिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन आंख बंद करके कीर्तन करने है। उस पार्क में जब न्यूयॉर्क जाता हूँ ना, अभी तक भी उस पार्क में जाता हूँ, उस पेड़ के नीचे जहाँ पर साईं महाराज बैठते थे, प्रणाम करते हैं आज हम, उसमें छोटा एक लिखा है, बोर्ड लगा है छोटा सा है, हरे कृष्ण है। और देखते 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 साहब हिपी के दल सब आ गए, ये सामरानी दीदी और तमाल कृष्ण महाराज, और देखो सब बीड़ी पी रहे हैं, क्या बोले सिगरेट पी रहे हैं, एक हाथ में LSD है आज हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस देश के जैसे सब हिपी जो है सब शराब पीने वाले और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखने वाले उनके पता थोड़ी है क्या बोल रहे हैं, वो तो शराब पी करके बस
झूम रहे थे, नाच रहे थे, है? किंतु देखो भगवान की इच्छा हुई और साई महाराज के चरण में संपूर्ण रूप से क्या है, समर्पित हो, सब छोड़ दे, है? यही तो करिश्मा है, भगवान चाहते हैं उनके द्वारा कराने, है? और फिर देखो अति अल्प दिन में है कितने सेंटर बना दिया, कितने ग्रंथ भी छप दिए, है? है? 106 मंदिर, 10 साल में 106 मंदिर बता रहे, लिख रहे, आओ बताओ, ये भगवान की इच्छा हुई। साईं महाराज के भक्तवृंद, साईं महाराज के पहले तो प्रभुपाद के कितने बड़े बड़े विद्वान उनके सन्यासी लोग आए, भक्ति हृदय वन महाराज है, वृंदावन में है ना, है? उनके बाद ही विद्वान कोई नहीं था, है? 5 दिन 7 दिन में जर्मन भाषा को बिल्कुल सीख लिया और बड़े बड़े सभा में जाकर के जर्मन भाषा में लेक्चर देने लगे, है? उस समय तो है राज परिवार में जाकर के है बड़े बड़े लोगों के उन्होंने के कैप्चर कर लिया, किंतु उनके प्रचार इतने सफलता नहीं हुई जिस प्रकार भक्तवृंद साईं महाराज के, है? आज विद्वान नहीं होता, विद्वा पंडित के द्वारा नहीं होता है, भाषा के द्वारा नहीं होता है, वो गुरु कृपा भगवत कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, महाप्रभु की कृपा हो जाए बस, हाँ? हैं? करिश्मा माने की है? है? क्या चमत्कार जो है, मिरेकल है, मिरेकल है ना, हाँ, कैसे चमत्कार कर दे करिश्मा, ऐसे किसी के जीवन में दिखाई नहीं जाता। 108 हाँ, और कितने भाषा में भी लोग भी ऐसे जुड़ गया, एक भाषा से दूसरी भाषा से, पृथ्वी में ऐसे कोई भाषा नहीं है, कितनी भाषा में उनके सारे ग्रंथ जो गीता चैतन्य चैतामी श्रीमद भागवत सब ट्रांसलेट हो, है? देखो कितने है? क्योंकि महाप्रभु की कृपा बिना ही हो नहीं सकता, आमा बिना संकीर्तन धर्म नहीं प्रचारित, महापुरुष संकेत मेरा यदि कृपा हो संकीर्तन धर्म प्रचार कर सकते, क्योंकि ये कथा सुनकर के हमारे पूर्व आचार्य की कथा सुनकर हमें उत्साह मिलता है, है? निरुत्साह नहीं है, उत्साह होनी चाहिए, उत्साहत निश्चयात दर्जात तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागा सतोवृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध, उत्साह होनी चाहिए, है? पूर्व आचार्य की हम ये कथा किसने बार बार हम कीर्तन करते हैं सुनते हैं कि हमें ऐसी प्रेरणा मिले नहीं, भेजा बेड़ाल की भांति, भेड़ा बिजाल समझते हैं, पानी में भीग गया ऐसे भेड़ा बिगाल नहीं, उत्साह करते रहो, प्रभु की इच्छा ही तो होगा, नहीं तो नहीं, उससे क्या होता है, हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो लेना नहीं, प्रभु की इच्छा है हो ही जाएगा, और नहीं चाहे तो नहीं है, उसे क्या है, इसलिए सब शिष्य के करते हुए उत्साह करते रहो, प्रचार करते रहो, प्रचार प्रसार, अपने भजन करो और दूसरे के भजन में लगाओ, यही महापुरुष की पृथ्वी इतिहासी जत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार भई बेमोर नाम है। श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज विदेश में कितने उनके जीवन में कितने बाधाएं है, तब भी सर्वत्र प्रचार करने लगे, है? हमें गुरुवर्ग की है जीवन चरित पढ़ना चाहिए, आचार्य चरित पढ़ो, क्या बोला, आचार्य चरित, पूर्व पूर्व आचार्य के चरित पढ़ो, ये कैसे कैसे उन लोगों ने प्रचार किया प्रसार किया, इसे कहते हैं अने तुम्हारे पहली संध्या आ जाए ये गुरु ठीक नहीं है, है? इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो मूर्ख, उसके जीवन में कभी सिद्धि नहीं हुआ है, गुरुपाद में निष्ठा रख करके करो बस, प्रचार करो और हरिनाम करो, डू और डाय है, और पहले ही तुम्हारे यदि आ गया ये गुरु है कि ठीक है कि नहीं है, अरे ठीक है नहीं है तुम्हें क्या कर लो, भगवान जो प्रेरणा दे जो हमें भेजा उसे करो,
है? है? गुरु पादपद की पहले निष्ठा रखो, यू हैव टू निष्ठा इन द लोटस फीट ऑफ गुरु पादपद, है गुरु के प्रति निष्ठा रखना है। मैं तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक दिन एक बॉयफ्रेंड रखा फिर उसको छोड़ के दूसरी तीसरी, ऐसे थोड़ी होता है। गुरु ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं है, है? एक के छोड़ करके दूसरी तीसरी है, ऐसे नहीं होता। गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रख करके करो, समझ में? उत्साह हमें दृढ़ता होनी चाहिए, है? और पहली तुम्हारा आ गया, हाँ हमारे जीवन क्या हो गया, ये गुरु जी फॉल डाउन हो गया, ले डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, है? और ऐसे दुष्ट लोग भी तुम्हें मिल जाता है, वो तुम्हें भी संशय पैदा करा देता है, वो है? ऐसे दुष्ट लोग भी तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम्हें क्या कर देता है? संशय पैदा कर देगा। अरे तुम्हारे गुरु ठीक नहीं, मेरे गुरु ठीक है, मेरे गुरु के पास आ जाओ। हाँ है, इधर उधर घूमने से कुछ लाभ नहीं होता है, गुरुपाद में निष्ठा करके चलो, एक निष्ठा होगी, है? यदि गुरु सदगुरु हो, है? हम इतने तो कहते हैं सहजिया सुखी भेकी छोड़ दो, वो गुरु ठीक गुरु ने, यहां तो भी गुरु जी मध्यम अधिकारी भी दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हारे विचार से, है? अरे जो मध्यम अधिकारी तो मध्यम अधिक विचार करेगी, कनिष्ठ अधिकारी कैसे समझे को मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी है, आप बताओ, है? यदि आपको जन है मेरा भी शास्त्र ज्ञान है, मैं भी मध्यम अधिकारी, है? ठीक है, यदि मध्यम अधिकारी तुम्हारे विचार से यदि गुरु यदि मध्यम अधिकारी है तथापि त्याग देना उचित है, सदाचार संपन्न गुरु के चरण आश्रय कर रखना, उसके अनुगत्य में हमें सेवा करना, ये कहने की बात, समझ में आया कि नहीं? है अनिकारी नहीं, नहीं तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, हमारे गुरु ठीक है, और वो कहते फिर तुम्हारे मन को क्या कर दे, दूषित कर दे, इसलिए मन को स्थिर करके, है भगवत नाम करो, मंत्र जप करो, और क्या करो, प्रचार करो, है महापुरुष की वाणी प्रचार करो, पृथ्वी राम सर्वत्र प्रचार भई, भगवान महापुरुष की वाणी प्रचार करो सब, है अपने भजन करो और दूसरे के भजन में लगाओ, यू अंडरस्टैंड? हाँ उत्साह करो, डू और डाई, और प्रेमानंद जय भक्तिवृंद साई महाराज। आज हम घर में जाना है, किसी को जाना है?